हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज मैं आप लोगों को आरआरटीएस की अपडेट दूंगा, मोदीपुरम से लेकर प्रतापपुर के स्टेशन के बीच में कितना काम कंप्लीट हो गया है। और इससे पहले मैंने वीडियो बनाई थी प्रायोरिटी सेक्शन की, अगर आप लोगों ने वो नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन पर उस वीडियो का लिंक डाल दूंगा। तो चलो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ से स्टार्टिंग होगी मोदीपुरम के स्टेशन की। तो यहाँ पे देख सकते हो पिलर्स की स्टार्टिंग में फाउंडेशन का काम कंप्लीट हो गया है। और यहाँ पे ये दो पिलर्स हैं जो कॉन्कोर्स लेवल तक बन के रेडी हो गए। और यहाँ से आगे की साइड में जो अभी यहाँ पे पिलर्स बनाए जाएंगे, देख सकते हो वो अभी यहाँ पे बनना स्टार्ट नहीं हुए, अभी फाउंडेशन का काम चल रहा है उनकी। और आगे आने के बाद देख सकते हो ये दो पिलर्स हैं जो कॉन्कोर्स लेवल तक बन के रेडी हो गए। और आगे की साइड में ये तीन पिलर्स हैं, ये भी कॉन्कोर्स लेवल तक बन के रेडी हो गए। तो मोदीपुरम के स्टेशन पे अभी ज्यादा प्लेयर रेडी नहीं हुए हैं। और मोदीपुरम के स्टेशन से आगे की साइड में होगा मोदीपुरम का डिपो। चलो अब बढ़ते हैं मेरठ की साइड में। स्टेशन से निकलने के बाद के जो प्लर्स होंगे देख सकते हैं उनकी अभी यहाँ पे पाइलिंग का काम स्टार्ट हो गया है। अभी तक आरआरटीएस इस रोड के राइट साइड में थी, लेकिन आगे की साइड में जाने के बाद ये लेफ्ट साइड में हो जाएगी, इस फ्लाईओवर के स्टार्ट होने से पहले हो जाएगी आरआरटीएस लेफ्ट साइड में। और अब आप लेफ्ट साइड में देख सकते हो यहाँ पे काम स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे अभी प्लर्स बनाए जाएंगे तो उनका यहाँ पे अभी ज्यादा काम तो नहीं हुआ है। और आप देख सकते हो यहाँ पे वापस से ये यहाँ पे मशीन काम कर रही है पिलर की पाइलिंग का। और यहाँ पे बनाया जाएगा मेरठ नॉर्थ का स्टेशन। नेशनल हाईवे 58 से अंदर की साइड में आने के बाद देख सकते हो यहाँ पे अभी प्लस की फाउंडेशन का काम चल रहा है। और यहां से अगला स्टेशन होने वाला है दौरली का, तो उससे पहले के जो प्लर्स हैं वो यहाँ पे बन के रेडी हो गए। ये है वो सारे प्लर्स जो दौरली वाले स्टेशन से पहले यहाँ पे बन के रेडी हो गए। बस बीच बीच में एक दो पिलर रह गया जो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पे जो सारे पिलर्स हैं ये पूरी तरीके से कंप्लीट हो गए हैं। ऊपर की साइड में पिलर कैप का भी जो काम है वो यहाँ पे कंप्लीट कर लिया गया है। और इस साइड में यहाँ पे कोई लॉन्चर नहीं लग रहा है जो इनको कनेक्ट करे अभी। यहाँ तक पिलर्स को बनाने का काम कंप्लीट हो गया है। और यहां से स्टार्टिंग होगी दौरली वाले स्टेशन की। तो इस साइड में देख सकते हो यहां पे जो अभी पिलर्स हैं वो पूरी तरीके से यहां पे नहीं बने हैं। और आगे की साइड में आने के बाद यहां पे जो पिलर्स होंगे वो रोड के बीच में भी होंगे और लेफ्ट साइड में और राइट साइड में भी होंगे। तो जो लेफ्ट साइड के और राइट साइड के पिलर्स हैं वो तो कॉन्कोर्स लेवल तक बन के रेडी हो गए, लेकिन जो रोड के बीच में यहाँ पे पिलर्स होंगे वो अभी यहाँ पे बनना स्टार्ट नहीं हुए। और स्टेशन से निकलने के बाद के ये पिलर्स हैं जो यहाँ पे बन के रेडी हो गए।
और इन पिलर्स से आगे की साइड में अभी यहाँ पे पिलर्स बनाए जाएंगे। तो कुछ पिलर्स की तो यहाँ पे फाउंडेशन का काम कंप्लीट हो गया, लेकिन कुछ पिलर्स की जो फाउंडेशन का काम है वो जस्ट कुछ टाइम पहले ही स्टार्ट हुआ है। अब आप राइट साइड में देख सकते हो, यहाँ पे आपको ये पिलर नजर आ रहा होगा जिसकी फाउंडेशन का काम कंप्लीट हो गया। ऊपर की साइड में आपको सरियाओं का जाल नजर आया होगा, लेकिन यहाँ से आगे वाली साइड में देख सकते हो यहाँ पे आपको एक भी सरियाओं का जाल नजर नहीं आ रहा होगा, क्योंकि इस साइड में अभी यहाँ पे पिलर्स बनाए जाएंगे। तो ये छोटा सा एरिया जहाँ पे अभी पिलर्स बनाए जाएंगे। और अब आप इस साइड से देख सकते हो यहाँ पे जो पिलर्स हैं वो आधे बन के रेडी हो गए, बस ऊपर की साइड में पिलर कैप का काम रह गया है। लेकिन यहाँ पे देख सकते हो पिलर कैप बनाने का जो काम है वो चल रहा है यहाँ पे, और ये वाला एक पिलर है जिसके ऊपर पिलर कैप का काम हो गया है। और MES कॉलोनी के स्टेशन से पहले भी देख सकते हो यहाँ पे ये जो पिलर्स हैं इनके ऊपर से पिलर कैप का काम रह गया है। एंड सॉरी, मैं यहाँ का ड्रोन शॉट आपको नहीं दिखा सकता क्योंकि ये सेंसिटिव एरिया है मेरठ कैंट का। और आगे आने के बाद यहाँ पे ये तीन पिलर्स हैं जिनके ऊपर पिलर कैप का यहाँ पे काम कंप्लीट हो गया है। और आगे की साइड में भी आने के बाद यहाँ पे पिलर कैप का काम कंप्लीट हो गया है। MES कॉलोनी के स्टेशन से पहले के जो पिलर्स होंगे उनका तो काम काफी हद तक कंप्लीट हो गया है। और ये हम पहुंच गए MES कॉलोनी के स्टेशन पे। तो यहाँ पे अभी आपको राइट साइड में देख सकते हो यहाँ पे जो पिलर्स है ये कॉन्कोर्स लेवल तक बनके रेडी हो गए हैं, और ये लेफ्ट साइड का ये पिलर भी। तो MES कॉलोनी के भी अभी ज्यादा पिलर नहीं बने स्टेशन के। और यहां से वापस से अब RRTS रोड के बीच में आ जाएगी, और थोड़ी देर में रोड के बीच में रहने के बाद यहां से वापस से ये लेफ्ट साइड में आ जाएगी। तो यहां पे देख सकते हो ये दो पिलर्स हैं जो यहां पे पूरी तरीके से बन के रेडी हो गए हैं, और आगे की साइड में अभी यहां पे पिलर्स बनाए जाएंगे। लेकिन यहां पे जो अभी पिलर्स बनाए जाएंगे उनकी जो हाइट है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी, क्योंकि अब आगे की साइड में जाके RRTS अंडरग्राउंड होने वाली है। ये जो आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड में बोर्ड नजर आ रहे हैं इसके पीछे बनाया जा रहा है टनल के लिए शाफ्ट। ये है बेगमपुर का स्टेशन, और यहाँ पे देख सकते हो नीचे की साइड में भी जो लेवलिंग का काम है वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। और इस साइड में स्टेशन की जो रूफ का काम था वो भी देख सकते हो यहाँ पे ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। तो इस स्टेशन का यहाँ पे जो भी काम था ऊपर की साइड का वो ऑलमोस्ट यहाँ पे कंप्लीट होने वाला है। और भैंसाली के स्टेशन पे भी जो ऊपर की साइड में मेजर काम है वो जल्द ही कंप्लीट हो जाएगा। तो ये वाला जो आप हिस्सा देख रहे हो यहाँ पे नीचे की साइड में होगा स्टेशन। और इस साइड में यहाँ पे बनाया गया था भैंसाली के स्टेशन पे शाफ्ट टनल के लिए। तो दोनों साइड में यहाँ पे टनल उतार दी गई है, और नीचे की साइड में यहाँ पे देख सकते हो ये टनल के सेगमेंट रखे हुए हैं। तो यहाँ पे जो TBM उतारी गई है इन्होंने अपना काम यहाँ पे स्टार्ट कर दिया है। और यहाँ से जो अगला स्टेशन होने वाला है वो होगा मेरठ सेंट्रल का। ये है मेरठ सेंट्रल का स्टेशन, और यहाँ पे जो भी अभी मेन काम चल रहा है वो चल रहा है अंदर की साइड में। यहाँ आके खत्म हो जाएगा मेरठ सेंट्रल का स्टेशन, और यहाँ पे अभी RRTS जो है अंडरग्राउंड रहेगी।
लेकिन यहाँ पे आने के बाद आरआरटीएस जो है अंडरग्राउंड से अब एलिवेटेड होती चली जाएगी। तो इस साइड में भी अभी यहाँ पे कोई ज्यादा काम नहीं चल रहा है। और आगे की साइड में आगे पिलर्स जहां से आरआरटीएस जो है एलिवेटेड होती चली जाएगी। तो ये वाले जो पिलर्स है ये देख सकते हो यहाँ पे पूरी तरीके से बन के रेडी हो गए, बस यहाँ पे इनको कनेक्ट करने का काम रह गया है। तो इस साइड में अभी यहाँ पे कोई लॉन्चर नहीं लग रहा है। तो इन पिलर से आगे की साइड में आने के बाद बनाया जाएगा ब्रह्मपुरी का स्टेशन। तो यहाँ पे बनाया जाएगा ब्रह्मपुरी का स्टेशन। तो यहाँ पे बनाया जाएगा ब्रह्मपुरी का स्टेशन। और यहाँ पे इस स्टेशन के जो पिलर्स हैं जो रोड के बीच में, वो देख सकते हो यहाँ पे अब कॉनकोर्स लेवल तक बन के रेडी हो गए। लेकिन अभी यहाँ पे इस स्टेशन के बाकी के जो पिलर्स हैं वो अभी यहाँ पे नहीं बने। और यहाँ का जो ड्रोन शॉट है वो आपको मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा, जब मैं एक महीने के बाद यहाँ की अपडेट दूंगा। आगे की साइड में आने के बाद देख सकते हो यहाँ पे ये पिलर्स जो है बन के रेडी हो गए। और सामने की साइड में लग रहा है लॉन्चर, और लास्ट टाइम भी ये यहीं पर लग रहा था, ये ज़्यादा शिफ्ट नहीं हुआ है। लेकिन यहाँ पे इसने ये जो दो पिलर्स हैं इनको यहाँ पे आपस में कनेक्ट कर दिया है। और आगे की साइड में आने के बाद देख सकते हो यहाँ पे ये चार पिलर्स हैं जो यहाँ पे बन के रेडी हो गए। और आगे की साइड में आने के बाद यहाँ पे अभी काम स्टार्ट नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे देख सकते हो अब ये बोर्डों को यहाँ पे रख दिया गया है। तो यहाँ पे जल्द ही अब काम स्टार्ट हो जाएगा पिलर्स बनाने का। और ये हम पहुँच गए शताब्दी नगर के स्टेशन पे। ये है शताब्दी नगर का स्टेशन। और यहाँ पे मैक्सिमम पिलर्स जो है बन के रेडी हो गए कॉनकोर्स लेवल तक। और यहाँ पे पिलर्स को आपस में कनेक्ट भी कर दिया गया है। और आगे की साइड में आने के बाद देख सकते हो यहाँ पे कॉनकोर्स लेवल बनने के लिए यहाँ पे गर्डर्स को लगा दिया गया है। और इस साइड में यहाँ से फ्लोरिंग का भी यहाँ पे काम स्टार्ट होने वाला है। और स्टेशन से निकलने के बाद के जो पिलर्स है वो अभी यहाँ पे रेडी नहीं हुए हैं, लेकिन देख सकते हो यहाँ पे पिलर्स की फाउंडेशन का काम कंप्लीट हो गया, बस फ्रेम लगा के कंक्रीट डाल के पिलर्स रेडी करने का काम रह गया है। लेकिन आगे की साइड में जो पिलर्स है वो देख सकते हो पूरी तरीके से बन के रेडी हो गए। ये हैं वो पिलर्स जो यहाँ पे पूरी तरीके से बन के रेडी हो गए, बस इनको यहाँ पे कनेक्ट करने का काम रह गया है। और आगे की साइड में लास्ट टाइम वहाँ पे लॉन्चर लग रहा था, देखते हैं वो कहाँ तक पहुँचा है। ये आ गया लॉन्चर, और इसने लास्ट टाइम से अब तक ज़्यादा प्लेयर्स को कनेक्ट नहीं किया है। और आगे की साइड में ये एक छोटा सा वाइडक्ट जो है बन के रेडी हो गया है रिठानी वाले स्टेशन से पहले। वो रहा सामने की साइड में रिठानी का स्टेशन। और स्टेशन से पहले जो लेफ्ट साइड के पिलर्स है वो देख सकते हो यहाँ पे बन के रेडी हो गए, लेकिन जो राइट साइड के पिलर्स है वो अभी यहाँ पे नहीं बने। और रिठानी के स्टेशन का कॉनकोर्स लेवल का जो काम था वो ऑलमोस्ट इस साइड में यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। और बीच के जो पिलर्स हैं उनको ऊपर की साइड में एक्सटेंड कर दिया गया है, और बाहर की साइड में आर्म्स को भी ऐड किया जा रहा है यहाँ पे। लेकिन आगे की साइड में आने के बाद देख सकते हो यहाँ पे पिलर्स अभी कनेक्ट नहीं हुए हैं लेफ्ट साइड के और राइट साइड के। और आगे आने के बाद यहाँ पे ये पिलर्स को कनेक्ट कर दिया गया है। और आगे की साइड में आने के बाद ये जो पिलर्स को कनेक्ट करने का काम है वो प्रतापपुर के स्टेशन से पहले तक कंप्लीट हो गया है, लेकिन देख सकते हो ऊपर की साइड में भी यहाँ पे जो पटरी बिछने का काम है वो स्टार्ट नहीं हुआ है। और ये आ गया सामने की साइड में प्रतापपुर का स्टेशन।
तो इस स्टेशन का कॉन्कोर्स लेवल का भी काम यहाँ पे कंप्लीट हो गया है और ऊपर की साइड में देख सकते हो यहाँ पे प्लेटफॉर्म भी बनाया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे बीच में अभी प्लर्स को कनेक्ट नहीं किया गया है। स्टेशन से निकलने के बाद के देख सकते हो यहाँ पे जो पिलर्स होंगे वो अब बनने स्टार्ट हो गए। ये है वो पिलर्स जो स्टेशन के बाद में यहाँ पे बन के कम्प्लीट हो गए और आगे की साइड में अभी यहाँ पे पिलर्स बनाए जाएंगे। तो यहाँ पे अभी पाइलिंग का काम चल रहा है, देख सकते हो यहाँ पे ये मशीन काम कर रही है। तो ये जो फ्लाईओवर है इसके साइड में भी यहाँ पे जो काम है वो स्टार्ट हो गया है। देख सकते हो यहाँ पे ये मशीन काम कर रही है, देख सकते हो फ्लाईओवर के साइड में अभी यहाँ पे पाइलिंग का जो काम है वो यहाँ पे चल रहा है। ये रही मशीन जो यहाँ पे काम कर रही है, जो मैंने अभी आपको दिखाई थी। और आगे की साइड में आने के बाद यहाँ पे ये एक पिलर है जिसकी फाउंडेशन का यहाँ पे काम कंप्लीट हो गया है। अब RRTS ऐसे आगे बढ़ेगी और सामने की साइड में आ गया दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे। और आगे की साइड में भी आने के बाद देख सकते हो यहाँ पे ये काम चालू हो गया है। यहाँ पे मशीन पिलर की पाइलिंग का काम स्टार्ट कर रही है अब। तो यहाँ का ड्रोन व्यू मैं आपको नेक्स्ट टाइम दिखाऊंगा। तो बस इस वीडियो करते हैं पे ख़त्म। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, ऐसे प्रोजेक्ट्स की रेगुलर अपडेट देखने के लिए मेरे चैनल को करना सब्सक्राइब। मैं मिलूंगा अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में।